गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा एमसीक्यू है रिगार्डिंग दी कंपनसेशन मैनेजमेंट। उसी का हम आज सेकंड पार्ट लेकर आए हैं जो आपको हेल्प करेगा यूजीसी नेट का पेपर नंबर कोड जो है 55, दैट इज लेबर लॉ इंडस्ट्रियल, आपका लेबर लॉ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उसके रिगार्डिंग है ये। ठीक है, तो उसी का सेकेंड सीरीज है तो हम उसे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द बेसिक कंपनसेशन गिवन टू एम्प्लॉयज एज अ सैलरी और वेजेस आर कॉल्ड। आई नो मोस्ट ऑफ यू नो द आंसर। ओके, सो लेट्स चेक कि आप सही हैं या नहीं हैं। ठीक है, द बेसिक कंपनसेशन गिवन टू एम्प्लॉयज एज अ सैलरी और वेजेस आर, द ऑप्शन इज वेज, वेरिएबल्स पे, बेस पे एंड सैलरी। सो अब बेसिक कंपनसेशन की बात की जा रही है यहाँ पर, तो और बेसिक कंपनसेशन में जब सैलरी और वेजेस की बात की जाती है तो बेसिक जो होगा तो इट्स डिनोटेड एज अ बेस पे। तो आंसर सी इज राइट। तो जिन्होंने आंसर सी गेस किया था देवर राइट। नेक्स्ट, द सिस्टमेटिक वे ऑफ डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ ऑल द जॉब्स विद इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। फिर देखिएगा, द सिस्टमैटिक वे ऑफ डिटरमाइनिंग, सिस्टमैटिक वे ऑफ डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ ऑल द जॉब। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है, दैट इज द वर्थ, वो आपका है वर्थ ऑफ ऑल द जॉब। यहाँ पर जॉब की वर्थ की बात की जा रही है। तो जब अगर जॉब के वर्थ की बात की जाती है तो एज वी ऑल नो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है जॉब इवेल्यूएशन, सेकेंड इज बेंचमार्क, थर्ड जॉब एनालिसिस एंड फोर्थ जॉब डिस्क्रिप्शन। जब वर्थ ऑफ जॉब की बात की जाती है तो आंसर्स हमेशा जॉब इवेल्यूएशन ही होगा, क्योंकि जॉब इवेल्यूएशन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपकी जो जॉब की जो वर्थ है उसी को काउंट किया जाता है, उसी को इवेल्यूएट किया जाता है। सो आंसर इज ए, जॉब इवेल्यूएशन। हमेशा ध्यान रखना वर्थ जहाँ पर बात की जाए वहाँ पर जॉब इवेल्यूएशन आएगा, जॉब की वर्थ, दैट मीन्स की जॉब इवेल्यूएशन। ओके, थर्ड वन, द एम्प्लॉय हु इज पेड मोर देन द स्पेसिफाइड रेंज फॉर द जॉब इज क्लासिफाइड एज। अगर किसी को जो रेंज डिसाइड की गई है उससे ज़्यादा पैसा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। अगर आपने पढ़ा हो या अगर आप इसके बारे में नहीं भी जानते हो तो मैं आपको इसको बता देती हूँ कि रेड सर्कल एम्प्लॉय कहा जाता है उसे। यहाँ आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं काफ़ी सारे, तो उन ऑप्शंस में आप देखोगे पहला आपका दिया है ग्रीन सर्कल एम्प्लॉय, सेकंड है आपका रेड सर्कल एम्प्लॉय, थर्ड है आपका वाइट सर्कल एम्प्लॉय एंड फोर्थ है ब्लू सर्कल एम्प्लॉय। तो इसका आंसर है आंसर बी, रेड सर्कल एम्प्लॉय। रेड सर्कल एम्प्लॉय बेसिकली वो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको आपको पता है कि एक जॉब के लिए काफ़ी सारे रेंजेस होती हैं, तो उसमें जो सबसे हाई रेंज पर होता है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, मान लीजिए कि असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन है, तो उस असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशंस में भी किसी बंदे को सबसे ज़्यादा पैसा अगर दिया जा रहा है तो वो वहाँ पर जो एम्प्लॉय कहलाएगा, दैट इज़ द रेड सर्कल एम्प्लॉय। ठीक है, सेम पोजीशन पर उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, सैलरी रेंज उसकी सबसे ज़्यादा हाई है, तो दैट इज़ द रेड सर्कल एम्प्लॉय इज आंसर बी। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री इंक्लूड्स, आई नो कि आप जानते भी होंगे या कुछ लोग अगर नहीं भी जानते हों तो इसके जैसे ऑप्शंस देखते हैं, हॉस्पिटल्स, होटल्स, ए एंड बी बोथ एंड बैंक। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हॉस्पिटल जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज़ है, इट डजेंट मीन दी हॉस्पिटल्स। इसका मतलब है कि आप किसी को कितना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सर्विस इंडस्ट्रीज में आता है, तो दैट्स कम्स अंडर दी होटल्स। ठीक है, तो अगर कहीं मन में डाउट है तो उसे निकाल दीजिएगा, इस आंसर इज आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ क्लासिफिकेशन सिस्टम इज यूज्ड, The job are already categorized into grade or, अगर classification system की बात की जाए, if we talking about the classification system, तो jobs आपकी किस में categorize होती है, grade में या फिर किस में, scales में होगी, division में होगी, class में होगी या any of the above, किसी में भी हो सकती है।
तो अगर आपने ध्यान दिया हो या पढ़ा भी हो, तो जैसे ग्रेडिंग अगर होती है तो ग्रेडिंग होती है, या फिर हम इसे कहते हैं कि इम्प्लॉयज़ को क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो क्लासेस पे डिवाइड करने का मतलब होता है कि क्लास वन ऑफिसर, क्लास टू ऑफिसर, ये आपने सुना भी होगा आपने कहीं ना कहीं, क्लास वन ऑफिसर, क्लास टू ऑफिसर्स, तो यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। इसलिए ये इसका जो आंसर जाएगा दैट इज दी ऑप्शन सी, क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन एंड यूजुअल फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट कंपनसेशन पेड इन द ऑर्गेनाइजेशन इज, डायरेक्ट कंपनसेशन के फॉर्म में किसे दिया जाता है, डायरेक्ट कंपनसेशन के फॉर्म में क्या पेड किया जाता है, बेस पे एंड बेनिफिट, बेस पे एंड वेरिएबल पे, वेरिएबल पे एंड बेनिफिट, ऑल ऑफ द अबव। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था उसी तरह से यहाँ पर भी है। तो आप देखोगे बेस पे के साथ, अगर कंपनसेशन मैनेजमेंट आपने पढ़ा हुआ है तो बेस पे के साथ हमेशा वेरिएबल पे को ही लिया जाता है, तो इसलिए बेस इसका जो आंसर आएगा दैट इज द आंसर बी। लेट्स चेक। यस इज द फैक्टर सच एज अर्निंग लेवल, डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी एंड द परसेंटेज ऑफ द स्पेंड टाइम इन म्यूचुअल वर्क्स आर फैक्टर्स दैट मस्ट बी हेल्ड टू डिफाइन। कौन कौन से जिस फैक्टर्स की बात की जा रही है, फर्स्ट फैक्टर है आपका अर्निंग लेवल कि आप कितना कमा रहे हो, डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी, डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपको अथॉरिटी दी जाती है कि किसी भी सिचुएशंस में आप अपना खुद का, आपको फ्रीडम होती है कि आप डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ स्पेंड टाइम इन अ म्यूचुअल वर्क, कितना परसेंटेज आप काम के लिए दे रहे हो। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इनमें से किस में आएगा, क्या ये ओवर टाइम पे स्ट्रक्चर है, क्या ये एग्जेम्प्टेड स्टेटस है या नॉन एग्जेप्टेड स्टेटस है या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेटस है, इनमें से ये कौन सा आएगा। तो आपको भी पता है अगर हम यहाँ पर बात करें अर्निंग लेवल, डिस्क्रिशनरी अथॉरिटीज या फिर परसेंट ऑफ स्पेंड टाइम इन द म्यूचुअल वर्क, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपनसेशन मैनेजमेंट में एग्जेम्प्ट नहीं किए जा सकते। जो इनका स्टेटस है दैट इज दी कंटिन्यू वाला स्टेटस है इनका, कि हाँ ये होना बहुत ज़रूरी है और ये रहता ही है, इसलिए दे कम्स अंडर दी नॉन एग्जेम्प्ट स्टेटस। ठीक है, यस आंसर सी। नेक्स्ट वन, द फैक्टर मस्ट बी कंसिडर टू प्राइज द जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड। यहाँ बात की जा रही है प्राइज द जॉब, अगर किसी जॉब को प्राइज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में तो कौन कौन से फैक्टर्स उसमें इंक्लूड होंगे। अगर किसी जॉब को प्राइज किया जा रहा है मतलब उसकी सैलरी को डिसाइड किया जा रहा है, तो जब सैलरी डिसाइड की जाती है तो उस टाइम पर, ठीक है ना, उस टाइम पर किस किस को यहाँ पर फोकस किया जाएगा, तो जॉब इम्पोर्टेंस को फोकस किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया है कि क्या जॉब इम्पोर्टेंस को फोकस किया जाएगा या फिर डिफ़िकल्टी ऑफ जॉब को देखा जाएगा या फिर देखा जाएगा स्किल्स एंड एबिलिटीज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि जॉब इम्पोर्टेंस, डिफ़िकल्टी ऑफ जॉब या स्किल्स की हम बात करें ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जॉब आप डिसाइड करते हो तो इन तीनों चीज़ों को फोकस करते हो। सॉरी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आंसर इज डी। टाइम स्पेंड इन ऑर्गेनाइजेशन वाइल परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर जॉब इन अ क्लासिफाइड एज, अगर हम बात करें यहाँ पर कि एज अ कौन सा टाइम हम इस, जब टाइम कोई लाइक अपना यहाँ पर दे रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, लंबे टाइम की बात कर रहे हैं, तो इसके ऑप्शन क्या है। फर्स्ट है आपका करियर मेच्योरिटी, करियर इक्विटी, सीनियरिटी या जॉब एनालिसिस, इसमें से क्या कहा जाएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि लंबे टाइम से वो वहाँ रह रहा है दैट मीन्स कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वो लंबे समय तक काम कर रहा है तो मतलब वो वहाँ पर सीनियर हो चुका है, तो ये वर्ड हमेशा से यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ दी सीनियरिटी, कि उसकी सीनियरिटी वहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसे कहा जाएगा सीनियरिटी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, वेजेस रिप्रेजेंट डैश रेट ऑफ पे, यहाँ पर जो डैश है ये क्या है। ठीक है, आर्ली पेजेस दिया जाता है या आर्ली बेसिस पर उसे काउंट किया जाता है, डेली बेसिस पर किया जाता है, वीकली किया जाता है या मंथली किया जाता है।
तो आप भी जानते हो अगर वेजेस की बात की जाती है तो वेजेस जो होता है वो जनरली आर के बेसिस पर काउंट किया जाता है. तो आंसर ए. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12. अ डैश मस्ट बी फिक्स्ड कंसिडरिंग द जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री. अगर आपका जो जो जनरल इकोनॉमिक इकोनॉमिक कंडीशंस होता है कंट्री का, तो उसमें ऐसा क्या चीज़ है जो फिक्स्ड रहती है, जो फिक्स्ड है वो क्या है. द डैश मस्ट बी फिक्स्ड कंसिडरिंग दी जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री. आपकी कंट्री की जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस के बेस्ड पर उसे फिक्स्ड किया जाता है. तो डैट इज़ द मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस, लिविंग वेजेस या ऑल ऑफ द अबव, क्या हो सकता है वो. तो आपको भी पता है कि अगर हम मिनिमम वेज या फेयर वेज की बात करें तो ये कहीं ना कहीं जो है वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी कितना पे कर रही है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है और आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर फिक्स रहता है. बट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस, तो दैट मीन्स कि हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, कि ऐसे लोगों की जो जिनको जो इसेंशियल्स है वो पूरा मिल जाए. तो दैट इज़ द लिविंग वेजेस. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा लिविंग वेज, क्योंकि लिविंग वेज एक वो वेजेस है जो फिक्स किया जाता है इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पर, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस दैट मीन ये शो करेगा कि कितना पैसा उनको रिक्वायर्ड है उनकी इसेंशियल्स नीड्स को पूरा करने के लिए. इसलिए आंसर इज सी, लिविंग वेज. लेट्स सी. ठीक है, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्टिविटीज कम्स अंडर. कॉस्ट ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज किसके अंदर में आती है, कौन सी कॉस्ट है वो जो वेलफेयर एक्टिविटीज को अपने अंदर लेता है. प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्राइजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट या फिर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. तो आपको भी पता है कि अगर आपने कभी पढ़ा हो, कॉस्ट पढ़ा है किसी ने, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं एक ब्रीफ आपको बता देती हूँ उसका छोटा सा, कि फोर टाइप्स की क्वालिटी ऑफ कॉस्ट होती है. उन फोर टाइप की क्वालिटी कॉस्ट में आता है आपका प्रिवेंशंस, अप्राइजल, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर. ठीक है, तो ध्यान रखना है इस पॉइंट को, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनसेशन से ये भी रिलेटेड है. तो कौन कौन से मैंने आपको बताया अभी, तो दैट इज दी प्रिवेंशन कॉस्ट, ये चारों जो है उसी के टाइप है. दिस इज दी टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ कॉस्ट. ठीक है, दिस इज दी टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ कॉस्ट. फर्स्ट वन इज प्रिवेंशन, सेकेंड इज अप्रेजल, थर्ड इज इंटरनल फेल्यूअर एंड फोर्थ इज एक्सटर्नल फेल्यूअर. तो दे आर दी टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ कॉस्ट. अब इसमें से एम्प्लॉय वेलफेयर एक्टिविटी किसके अंदर आएगी, तो एम्प्लॉय वेलफेयर एक्टिविटी आएगी आपका प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर. क्यों? क्योंकि प्रिवेंशन कॉस्ट जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं एक मिनिमाइज द नंबर ऑफ डिफेक्ट, नंबर ऑफ डिफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए कॉस्ट दी जाती है. प्रिवेंशन नाम से समझ में आ रहा है, बचाने के लिए दी जाती है. तो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स के लिए कॉस्ट बनाई गई है, इसलिए इसे प्रिवेंशन कॉस्ट कहा जाता है. तो इसलिए वर्कर्स की ट्रेनिंग, वर्कर्स का वेलफेयर, सब कुछ जो होता है वो प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर आता है. ठीक है, इसलिए इसका आंसर है आंसर ए, प्रिवेंशन कॉस्ट. इसके अलावा बाकी के जो आंसर्स हैं उनका भी मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ कि अप्रेजल कॉस्ट जो होती है, अप्रेजल कॉस्ट का मतलब होता है कि जब भी डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, जब उसको तैयार किया जा रहा है ना उसी टाइम पर. उसी तरह जो इंटरनल फेल्यूअर है उसका मतलब ये हो जाएगा कि आपकी जो जो कॉस्ट है दैट इज कि इंटरनली जब उसकी शिपिंग की जा रही है कस्टमर के लिए, उसकी शिपिंग के पहले ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता कर लेना कि प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है. तो बिफोर शिपिंग ही अगर हम उसको उसके डिफेक्ट को पता करके रिमूव कर देते हैं तो वो कॉस्ट आपकी आती है इंटरनल फेल्योर कॉस्ट में. और एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट में आपका आ जाएगा कि आफ्टर शिपिंग आप जब कस्टमर्स को वारंटी या फिर आपका रिप्लेसमेंट इस तरह की आप चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो एक्टिविटीज़ है वो आएगी आपकी एक्सटर्नल फेल्योर में. क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. ये आज का आपका क्वेश्चन राइज सेशन था. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो चुकी होगी. ठीक है, तो कंपोजिशन की अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियोस, तो उसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी, उस पर जाके आप कंपोजिशन के नोट्स देख सकते हैं, उसके बेसिस पर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं. चलिए, ऑल द बेस्ट.